लखनऊ के पास इलाका इसे कह सकते हैं या जाना माना चौराहा कह सकते हैं, केंद्र कह सकते हैं, हजरतगंज। हजरतगंज वो क्षेत्र है जहाँ से लोगों का काफ़ी भारी तादाद में लोगों का आना जाना रहता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिसकर्मी हैं, इतनी कड़ी मशक्कत कर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। और इसका सिलसिला ये आपको नहीं लेकिन तकरीबन 3-4 दिन से लगातार चल रहा है। जान जोखिम में डालकर किस तरह से ये पुलिसकर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, पूरी तरह से जूझे पड़े हैं। तो आइए ये अभी अभी देखिए, आप देख रहे हैं जैसे किस तरह से गाड़ी रोके हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन जानने के लिए देखिए हम भी मास्क ला रखे हैं और सावधानी बरतने के लिए तरह तरह के सुझाव दिए जा रहे हैं, अनाउंसमेंट करवाया जा रहा है जैसे कि कर्फ्यू के लिए जारी हो गया है निर्देश। आइए हम आपसे बात भी करेंगे और जो यहाँ पे चालान कर रहे हैं उनसे हम जानेंगे कि अभी तक यहाँ पर किस तरह के मतलब केसेस देखने को मिले हैं, किस तरह के लोगों को रोका है, कितने चालान लमसम हो चुके हैं, आइए हम जानते हैं। और साथ ही खड़े हैं व्यक्ति, अभी उनसे बात करते हैं, हम आपको रूबरू कराएँगे यहाँ पर। नमस्कार, कितने मतलब चलान ऐसे हुए होंगे, किस तरह के केसेस आए होंगे, ज़्यादातर बड़ा हमारे घर से जानना चाहिए। सहयोग कर रहे हैं ये सर, अनाउंसमेंट जो हो रहा है इसका मतलब कि अभी यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे कुछ लोग हो रहे हैं, आप लोग उन्हें जब छोड़ा जा रहा है, बहुत इमरजेंसी हो रही है, तो जो इमरजेंसी सेवाएं सरकार के द्वारा बताई गई हैं, इमरजेंसी चीज़ें हैं उनको छोड़ा जा रहा है, मेडिकल स्टाफ हो। बिल्कुल, जैसा आप सुन रहे हैं कैसा क्या बताया गया है। और यहाँ पर उसको मतलब जैसे एक मेहनत मशक्कत कह सकते हैं जिस तरह जूझे पड़े हैं। ठीक है, कैमरा मैन राकेश के साथ मैं हर्ष मिश्रा।